हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईआरसी 6 जो कि बात करता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ रोड ब्रिजेस के बारे में, उसके पार्ट 2 वीडियो पर डिटेल डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग कि हमारे जो लाइव लोड्स हैं उनकी वजह से जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है उसे हमें अपनी ब्रिज डिजाइनिंग में कैसे कंसिडर करना है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंटरव्यूज हैं और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये। तो मैं आपको डिटेल में जो हमारा आईआरसी 6 प्रोविजंस देता है फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोडिंग वो सारी चीज़ें यहाँ कवर करूंगा, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर से रिलेटेड इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, जितना चीज़ें आपको बता रहा हूँ जस्ट नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि जो ब्रिजेस हैं हमारे, चाहे वो रोड ब्रिजेस हों या हमारे रेलवे ब्रिजेस हों, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन हमारे रोड ब्रिजेस के लिए है। तो रोड ब्रिजेस में जो हमारे लाइव लोड्स हैं वो दो फॉर्म में है, एक हमारे मूविंग व्हीकल्स के फॉर्म में है कि जो गाड़ियां चल रही हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो रोड ब्रिजेस के यूजर्स हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, इनको हम टेक्निकली फुटवेज बोलते हैं, फुटफॉल की वजह से जो हमारा लाइव लोड आ रहा है। अब ये जो लोड्स हैं ये बिकॉज दे आर नॉट स्टैटिक लोड्स, दे आर मूविंग लोड्स बिकॉज दे मूव कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर मूविंग लोड्स। तो होता क्या है, जब कोई भी व्हीकल ब्रिज के ऊपर मूव कर रहा है उसकी वजह से हमारे दो तीन एक्शंस होते हैं ब्रिजेस में, दैट इज वन ऑफ द रीजन में भी इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब है सडन अप्लीकेशन ऑफ लोड्स, ठीक है। ये हो सकता है जब हमारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं रोड ब्रिजेस में, सडन अप्लीकेशन ऑफ लोड्स में सपोज आपने सडन जर्क अचानक से ब्रेक मार दिया ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज बी द वन ऑफ द रीजन कि उसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है। और जो डायनेमिक एक्शन है दैट इज ड्यू टू मूविंग एक्शन, मूव कर रहा है व्हीकल जिसकी वजह से हमारा डायनेमिक एक्शन हो रहा है व्हीकल पे ब्रिजेस पे। तो डायनेमिक एक्शन जो है इसको हम डायनेमिक एक्शन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो व्हीकल मूव कर रहा है दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज इन मोशन। जब भी गाड़ी निकल रही है शॉर्ट ड्यूरेशन अप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से जो डायनेमिक एक्शन आ रहे हैं उन चीजों को अकोमोडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अप्लाइड लाइव लोड्स हैं, अप्लाइड लाइव लोड्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स हैं। सपोज अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं ब्रिज है जिसके डेक पर हमारा एक ट्रक मूव कर रहा है एंड इस ट्रक की वजह से जो हमारे ब्रिज पे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी use one terminology which is known as impact factor, ठीक है। अभी हम road bridges में की बात कर रहे हैं तो जो भी मैं provisions आपको बता रहा हूँ they are specifically applicable to the road bridges। railway bridges के लिए हमारे Indian railway standards के bridge rules हैं, वहां पर उसके लिए अलग provisions हैं, वो अभी इस video में हम discuss नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो impact factor हम word use करते हैं जिसमें हम करते क्या हैं, जो हमारे अप्लाइड लाइव लोड्स हैं उनको हम इंक्रीज कर देते हैं बाई, जो कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंपैक्ट फैक्टर को, दिस इज अ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड। जो हमारा लोड यहां पर ये लाइव लोड है, ठीक है, तो जिस भी लोडिंग के लिए हम अपने ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो अप्लाइड लाइव लोड आने वाला है ब्रिज पे उसके सर्टेन परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड लाइव लोड को हम इंपैक्ट फैक्टर से डिफाइन करते हैं। तो इट बिकॉज इट इज अकोमोडेटिंग द डायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ द लाइव लोड्स, ठीक है। तो अब बहुत सारे टर्मोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी इंपैक्ट फैक्टर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसमें सबसे पहली टर्मोलॉजी है दैट इज डायनेमिक अलाउंस। जितनी भी टर्मोलॉजी है सभी एक एक के नाम है, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हो, इंपैक्ट अलाउंस भी बोल सकते हो आप इसको,
इम्पैक्ट फ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप, इम्पैक्ट परसेंटेज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जब रेलवे ब्रिजेस में आप बात करेंगे तो वहां पे इसी फैक्टर को हम लोग सीडीए भी बोलते हैं, विच इज कॉफिशियंट ऑफ डायनेमिक ऑगमेंट। ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज करना, ये वो कॉफिशियंट जिससे हम डायनेमिक एक्शन को अकोमोडेट करने के लिए अपने लाइव लोड्स को एक सर्टेन अमाउंट या परसेंटेज से इंक्रीज कर दे रहे हैं। सो जो भी हम डिजाइनिंग करें वो अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ डायनेमिक ऑगमेंट। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, इंपैक्ट फैक्टर, इंपैक्ट अलाउंस, डायनेमिक अलाउंस, दीज आर सेम टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द ब्रिज डिजाइनिंग, ठीक है। अब जो हमारा इंपैक्ट फैक्टर है या डायनेमिक अलाउंस है, ये किन चीजों का फंक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सबसे प्राइम फैक्टर जो है जिससे आप इंपेरिकली भी रिलेट कर सकते हो, जो हमारा IRC6 ने स्पेसिफाई किया है उस पे ब्रिज स्पैन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो ब्रिज स्पैन पे डिपेंड करेगा, जो ब्रिज है उसकी स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। स्टिफनेस कैसे डिसाइड होगी ब्रिज की, वो डिसाइड होगी कि हमारा ब्रिज RCC का है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का है, स्टील ब्रिज है। तो दोनों तरीके के ब्रिज आपको रोड ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी है वो कि जो ब्रिज के ऊपर हमारी सरफेस रफनेस है, पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ब्रिज का टाइप क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा। तो टाइप ऑफ ब्रिज के हिसाब से हम टाइप ऑफ जो लोडिंग्स हैं उस पर डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड। जो व्हीकल मूव करने वाले हैं उन ब्रिजेस पे, व्हीकल की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी मूव करेगा। व्हीकल की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि किस स्पीड से हमारा डिजाइन किया है आपने, कितनी मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल उस ब्रिज पर ट्रैवल कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। हमारे जो व्हीकल का सस्पेंशन सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करेगा। हमारा टाइप ऑफ व्हीकल पर भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ व्हीकल मैंने आपको बताया था, दो कैटेगरीज में हमारे IRC स्पेसिफिकली बात करता है। एक तो हमारा होता है व्हील्ड व्हीकल, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज अ व्हील्ड व्हीकल जिसमें आपको व्हील्स लगे मिल रहे हैं, दिस इज अ व्हील्ड व्हीकल। और अनदर वन इज ट्रैक्ड व्हीकल। तो जो आपके ट्रैक्ड व्हीकल्स हैं वो कुछ आपके इस तरह दिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वन इज द ट्रैक्ड व्हीकल जिसमें आपके क्रॉलर्स लगे हुए हैं फॉर मूवमेंट पर्पस, दीज आर दी ट्रैक्ड व्हीकल्स। ये स्पेसिफिकली जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे तब आपके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ व्हीकल्स आपका ब्रिज के लिए जो इम्पैक्ट फैक्टर आप ले रहे हो वो इफेक्ट होता है इससे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कोड पे। तो यहां पर मैंने बताया कि आपके जो मूविंग लोड्स हैं, ठीक है, मूविंग लोड इज मूविंग व्हीकल्स, जिसकी वजह से हमारा डायनेमिक एंड सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड्स आ रहे हैं ब्रिज में। तो जो हमारे इंपैक्ट फैक्टर्स हैं दे आर स्पेसिफाइड फॉर मूविंग व्हीकल्स ओनली, ठीक है। इंपैक्ट फैक्टर इज वैलिड ओनली, इसका मतलब बिकॉज पेडिस्ट्रियन और फुटवे की वजह से हमारा देयर इज नो इंपैक्ट, लाइव लोड तो है बट कोई भी इंपैक्ट या डायनेमिक एक्शन ना होने की वजह से हम इसके लिए जो इंपैक्ट फैक्टर लेते हैं वो जीरो लेते हैं। इसका मतलब नो इंक्रीज ऑफ लाइव लोड्स ड्यू टू पेडिस्ट्रियन मूवमेंट, ठीक है। जो भी यूजर्स हैं, जो आदमी उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी वजह से हम अपने लाइव लोड्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, फॉर विच वी टेक इंपैक्ट फैक्टर एज जीरो, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन एज आर अ परसेंटेज ऑफ अप्लाइड लाइव लोड। और अप्लाइड लाइव लोड डिपेंड करेगा कि हमारी ब्रिज पे टाइप ऑफ लोडिंग क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्रिज के लिए हम स्पेसिफिकली जो रोड ब्रिजेस हैं पांच तरह की लोडिंग्स होती हैं, इसमें फिफ्थ जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल लोडिंग है। तो जो हमारे इंपैक्ट फैक्टर्स हैं दे आर स्पेसिफाइड फॉर ओनली फोर टाइप्स ऑफ लोडिंग। ये ध्यान रखना है कि हमारा इंपैक्ट फैक्टर रोड ब्रिजेस के लिए चार
पांच में से सिर्फ चार तरह की क्लास ऑफ लोडिंग्स के लिए स्पेसिफाइड है हमारे आईआरसी 6 में। तो पहली कैटेगरी ये है कि जब हम अपना ब्रिज जो है रोड ब्रिज क्लास ए और क्लास बी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। क्लास ए मैंने आपको बताया था कि ये हमारी सबसे सीवियर क्लास ऑफ लोडिंग होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो इम्पैक्ट फ्रैक्शन है या इम्पैक्ट फैक्टर है वो क्लास ए और क्लास बी लोडिंग के लिए जो हमारे स्पेसिफाइड है आपको बताया मैंने, इट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ब्रिज। तो आरसीसी ब्रिज के लिए अलग स्पेसिफाइड किया गया है और स्टील ब्रिजेस के लिए अलग स्पेसिफाई किया गया है। तो जब हमारा स्पैन जो है ब्रिज का, ठीक है, अब ये स्पैन कितना लेना है ये अभी हम बात करेंगे कि किसी भी ब्रिज का स्पैन हम कितना लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस डायनेमिक ऑगमेंट या इम्पैक्ट फैक्टर। तो जब हमारा जो स्पैन है दिस इज ग्रेटर देन 3 मीटर एंड लेस देन 45 मीटर, ठीक है, इसको इक्वल टू भी कह सकते हो, यहाँ पे बिटवीन लिखा है, ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, बट वी कैन से कि एल अगर हमारा 3 मीटर से लेकर 45 मीटर तक वेरी कर रहा है तो हमारा जो आरसीसी ब्रिज के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज 4.5/6+L। तो ध्यान रखना है दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रेलवे ब्रिजेस, स्टील ब्रिजेस होंगे बट दे आर यूज फॉर द रोड व्हीकल्स। क्लास ए और क्लास बी लोडिंग हमारी रोड की ब्रिजेस के लिए डिजाइन लोडिंग है, वहां पर आपका स्टील ब्रिज के लिए 9/13.5L होगा। तो आपको ये कोफिशिएंट्स याद रखने हैं बेसिकली, एंड दे हैव बीन डिटरमाइंड फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिजेस, जो मॉडल्स तैयार किए गए एंड फील्ड के बेसिस पर ये हमारे इंपेरिकल रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है। और इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर हमारे कुछ कर्व्स ड्रॉ किए गए हैं जो कि हमारे फिगर 9 में इंडिकेटेड हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये दीज फॉर्मूलाज आर अप्लीकेबल फॉर दीज रेंज ऑफ स्पैन ऑफ ब्रिजेस, ठीक है। तो आप अभी जब कर्व देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है स्टील ब्रिजेस के लिए वो फॉर अ गिवन स्पैन ऑफ अ ब्रिज, वो आप देखोगे कि वो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर आरसीसी ब्रिज से ज्यादा आता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब हम स्टील रोड ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर डायनेमिक इम्पैक्ट ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज स्ट्रक्चर हमारा स्टील का बना हुआ है, तो वहां पर आपका जो लाइव लोड का इंक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा। सो इम्पैक्ट फैक्टर आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, टू हैव अ सेफ डिजाइन, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ समझ लेते हैं, ये ग्राफ कैसे डराइव हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, स्पैन ले लिया और अब्सिसा एक्सिस पे और ऑर्डिनेट एक्सिस पर यानी वाई एक्सिस पर हमने इम्पैक्ट परसेंटेज लिया जिसको आप इम्पैक्ट फैक्टर बोल रहे हैं एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ लाइव लोड, ठीक है। तो यहां पे जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस ब्लू लाइन इज फॉर आरसीसी ब्रिजेस, ठीक है। और आरसीसी ब्रिजेस के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है ये होता है 4.5/6L फॉर स्पैन, हमारा L 3 मीटर से लेकर 45 मीटर तक है, ठीक है। अब अगर हम दो एक्सट्रीम केसेस की बात करें, एक एक्सट्रीम केस हमारा ये है, एक एक्सट्रीम केस हमारा ये है, ठीक है। तो 3 मीटर से 45 मीटर अगर हम इस पॉइंट पर L की वैल्यू रखें, L इज इक्वल टू 3 मीटर, तो हमारा जो इम्पैक्ट फैक्टर आएगा इस फॉर्मूले से जो मैंने यहां पर लिखा, दिस विल बी 50%, यानी 0.5। और आप देख रहे हैं कि इस वाली रेंज में अगर हमारा 0 से 3 मीटर तक का स्पैन है जो कि बेसिकली आप कलवर्ट्स कहते हैं, 6 मीटर से आपके नीचे कलवर्ट आ जाते हैं, तो 3 मीटर से कम साइज वाले जो कलवर्ट्स हैं वहां पर आप रोड ब्रिजेस में कितना इंपैक्ट फैक्टर लेंगे, 0.5, यानी यू हैव टू इंक्रीज द लाइव लोड्स बाय 50% फॉर टेकिंग द डायनेमिक एक्शन इनटू अकाउंट फॉर डिजाइनिंग। अब जो 45 के करस्पॉन्डिंग आप लोगे तो यहां पर L इक्वल टू 45 अगर आप रखोगे आरसीसी ब्रिज के केस में तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना आएगा आपका, 8.8%। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा स्पैन बढ़ रहा है हमारा जो इम्पैक्ट लोड है वो इम्पैक्ट फ्रैक्शन है वो हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। और 45 मीटर के बाद हमारा 8.8% ही लेना है, इसके बाद हमारा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल बियॉन्ड 45 मीटर,
ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 45 मीटर स्पैन के बाद हमारा, चाहे रोडवे ब्रिजेस में आरसीसी या स्टील ब्रिजेस में, हमारा जो इंपैक्ट फैक्टर इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट हैज टू बी टेकन कॉन्स्टेंट। और फर्दर स्पैन के साथ हमारा वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं रेलवे, जो हमारा स्टील ब्रिजेस हैं, स्टील ब्रिजेस में आपको अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि इंपैक्ट फैक्टर इज 9/13.5+L। अब L यहां पर एक्सट्रीम केसेस की बात करेंगे तो L इक्वल टू 45 रखेंगे, तो यहां पर आपका जो इंपैक्ट फैक्टर आएगा दिस इज 15.4%। आपको वैल्यू अगर नहीं भी याद रहती तो आप ये फॉर्मूला में L इज इक्वल टू 45 रख के ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर L इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 मीटर, यानी 45 मीटर से अगर स्पैन आपका जो गर्डर है स्टील का वो ज्यादा है, स्पैन का है, तो आपको हमेशा इंपैक्ट फैक्टर 15.4 लेना है उसकी डिजाइनिंग के लिए। और इसी तरह आप अगर इसके एक्सट्रीम केस पे जाएंगे जहां पे L इज लेस देन आर 3 मीटर है, वहां पर आपका जो इंपैक्ट फैक्टर है वो निकल के आएगा 54.5%। तो यहां पर जब आप 3 रख दोगे, 9/13.5+3, तो आपको 54.5% मिल जाएगा फॉर 3 मीटर आर लेस स्पैन। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हर किसी भी स्पैन, फॉर गिवन स्पैन, अगर मान लेते हैं इट इज 18 मीटर स्पैन, तो यहां पर वैल्यूज आप देख रहे हैं कि इंपैक्ट फैक्टर हमारा स्टील ब्रिजेस के केस में हमारा ज्यादा है, बिकॉज वहां पे हमारे डायनेमिक एक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, डायनेमिक लोड्स फॉर मूविंग व्हीकल विल बी मोर इन केस ऑफ स्टील ब्रिजेस। तो इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप जो भी मैंने आपको बताया आप इसे नोट डाउन कर लें एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक बार खुद से थॉरो ये पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब अगर हमारी जो लोडिंग क्लास है वो चेंज कर देते हैं, हम क्लास ए लोडिंग और 70R लोडिंग के लिए हम अपने ब्रिज को डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा व्हीकल्स का टाइप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया जब हम क्लास ए लोडिंग या 70R लोडिंग के लिए अपना ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर व्हीकल का टाइप कि ट्रैक्ड व्हीकल है या व्हील्ड व्हीकल है, उसके हिसाब से हमारा इंपैक्ट परसेंटेजेस कोड ने स्पेसिफाई किए। तो पहली कैटेगरी जो है दैट इज जो हमारा स्पैन है क्लास ए लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग के लिए जब हमने ब्रिज डिजाइन किया, वो अगर हमारा 9 मीटर से कम है तो उसमें दो केसेस हैं। पहला केस है कि हमारा व्हीकल्स जो है वो ट्रैक्ड व्हीकल्स हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया, और ट्रैक्ड व्हीकल्स में भी हमारे पास दो केस हैं। पहला केस ये है कि अगर हमारा स्पैन जो है वो 0 से लेके 5 मीटर तक है, तो उस केस में जो आपको इंपैक्ट फैक्टर लेना है वो आपको लेना है 25%। और जब आपका जो स्पैन है वो 5 मीटर से लेकर 9 मीटर, 5 मीटर से ज्यादा है और 9 मीटर से कम है, बिकॉज दिस केस इज अप्लीकेबल फॉर 9 मीटर तक के स्पैन के लिए अप्लीकेबल है, उस केस में इंपैक्ट फैक्टर आपको लीनियरली रिड्यूस करना है अप टू 10%, यानी 9 मीटर के लिए 10% होगा और इसके बीच में जो स्पैन होगा वो 5 से 9 मीटर के बीच में आपको लीनियरली 25 से 10% के अकॉर्डिंग निकाल लेना है। व्हील्ड व्हीकल्स में ऐसा नहीं है, व्हील्ड व्हीकल्स में अगर हमारा स्पैन 9 मीटर से कम है तो हमें सिंपली इंपैक्ट फैक्टर 25% ले लेना है। तो आप देख रहे हैं क्लास ए लोडिंग और क्लास 70R लोडिंग के लिए हमारा जो इंपैक्ट फैक्टर है वो क्लास ए लोडिंग और क्लास बी लोडिंग के लिए जो ब्रिजेस डिजाइन कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, बिकॉज ये हमारी कम सीवियर क्लास ऑफ लोडिंग्स हैं। इसकी वजह से जो लाइव लोड्स हैं वो हमारे लो मैग्नीट्यूड के हैं और वहां पे उसका डायनेमिक एक्शन इस वजह से कम होगा। अब जब हमारा स्पैन 9 मीटर या 9 मीटर से ज्यादा हो जाता है, यानी अगर L इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 मीटर, तो आरसीसी ब्रिजेस के लिए हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फॉर ट्रैक्ड व्हीकल, यहां पर मैं आपको अलग अलग स्पेसिफाई कर देता हूं, फॉर ट्रैक्ड व्हीकल्स के केस में हमारा फॉर स्पैन अप टू 40 मीटर, यानी 9 मीटर से लेके 40 मीटर तक अगर स्पैन है
आरसीसी ब्रिज है और ट्रैक्ड व्हीकल्स हैं, तो उस केस में इम्पैक्ट फैक्टर हमें 10% लेना है। और अगर एल हमारा 40 मीटर से ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल टू 40 मीटर है, अगर एल इज ग्रेटर देन 40 मीटर तो हमें अपने कर्व से, जो कर्व मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इम्पैक्ट फैक्टर ले लेना है। दूसरा केस है व्हील्ड व्हीकल्स के लिए, ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने ट्रक दिखाया था, उसमें क्या है 10% जो है, दो कैटेगरी है व्हील्ड व्हीकल्स में, आपके 25% है अगर आपका जो स्पैन है वो हमारा 12 मीटर से कम है एंड ग्रेटर देन 9 मीटर है, और 12 मीटर से अगर ज्यादा है व्हील्ड व्हीकल्स में तो हमें कर्व से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यही चीज यहां पर स्पेसिफाई है आरसीसी ब्रिजेस के लिए। स्टील ब्रिजेस के केस में जब आते हैं तो आप देख रहे हैं स्टील ब्रिजेस में आपका ट्रैक्ड व्हीकल्स के लिए सभी स्पैन्स के लिए हमारा इंपैक्ट फैक्टर सेम है, ठीक है, सभी स्पैन्स के लिए, बट स्पैन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 मीटर्स, ठीक है, बिकॉज ये ओवरऑल जो कंडीशन है दिस इज अप्लीकेबल फॉर 9 मीटर आर मोर। और व्हील्ड व्हीकल्स के केस में वापस से हमें क्लासीफाई किया गया कि एल अगर हमारा 9 मीटर से तो ज्यादा ही होगा, और अगर हमारा 23 मीटर तक है तो उस केस में व्हील्ड व्हीकल्स में आपको 25% इम्पैक्ट फैक्टर लेना है, और अगर आपका एल जो है 23 मीटर से ज्यादा है तो आपको कर्व से इम्पैक्ट फैक्टर लेना है डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल स्पैन कितना, और वो कर्व जो है वो 9 यहां पर है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है कि कोई भी इम्पैक्ट अलाउंस ऐड नहीं करना है फॉर फुटवे लोडिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज उसकी वजह से हमारा डायनेमिक एक्शन जो है वो नहीं आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि फुटवे लोडिंग यानी पेडेस्ट्रियन जो मूव कर रहे हैं हमारे ब्रिजेस पे, उनकी वजह से हमें अपना इम्पैक्ट अलाउंस जो है वो नहीं लेना है, यानी इम्पैक्ट फैक्टर हमारा जीरो होगा। उसके बाद जो स्पैन लेंथ आप यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट परसेंटेजेस, उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन हमारे कोड ने स्पेसिफाई किया है कि अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड स्पैन है या कॉन्टिन्यूस स्पैन है या आर्च स्पैन है, यानी आर्च ब्रिज है, तो इफेक्टिव स्पैन ऑन विच द लोड इज प्लेस्ड इज द स्पैन लेंथ, यानी जो स्पैन लेंथ लेनी है आपको, एल वैल्यू लेनी है, वो हमारी इफेक्टिव स्पैन होगी, ठीक है। अगर ब्रिजेस में हमारे कैंटिलीवर आर्म्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये एक स्पैन हुआ, एक स्पैन ये हुआ, एक स्पैन ये कैंटिलीवर आर्म हो गए, दिस इज कैंटिलीवर आर्म, तो इफेक्टिव ओवरहैंग ऑफ द कैंटिलीवर आर्म, जो इफेक्टिव इसका ओवरहैंग है, उसको आपको 25% रिड्यूस करना है अगर हम इस आर्म के लिए या इस स्पैन के लिए अपना इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो इस बीच वाला स्पैन है, मेन स्पैन है, उसका जो इफेक्टिव स्पैन होगा वो हमारा स्पैन लेंथ आपको लेना है डिजाइन में। बट ये हमारा जो स्पैन है कैंटिलीवर, इसमें सस्पेंडेड स्पैन्स विदाउट सस्पेंडेड स्पैन्स है, ध्यान रखना कैंटिलीवर आर्म्स हैं बट सस्पेंडेड स्पैन्स नहीं है, ठीक है। फॉर ब्रिजेस हैविंग कैंटिलीवर आर्म्स विद सस्पेंडेड स्पैन, उस केस में जो इफेक्टिव ओवरहैंग, जो स्पैन लेंथ लेनी है आपको, यानी जो एल लेनी है, वो आपका आएगा इफेक्टिव ओवरहैंग कितना है प्लस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सस्पेंडेड स्पैन, ठीक है, जो लेंथ ऑफ सस्पेंडेड स्पैन है जिस पर आप लोड कंसीडर कर रहे हो, तो उसका हाफ लेंथ आपको ऐड करनी है इफेक्टिव ओवरहैंग में, तो उस इस ओवरहैंग स्पैन के लिए आपकी स्पैन लेंथ आ जाएगी। और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ब्रिज, आरसीसी ब्रिज जब आप बना रहे हो या स्टील ब्रिज बना रहे हो रोडवे के लिए, तो जो क्रॉस गर्डर्स या डेक स्लैब हैं उनके लिए, जो इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए जब आप डिजाइन कैलकुलेशंस करते हो, तो उसमें जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसमें भी स्पैन की जो लेंथ लेनी है वो उस पर्टिकुलर मेंबर की जो इफेक्टिव भी वही आपको लेनी है। यानी अगर क्रॉस गर्डर के लिए आप कैलकुलेशंस कर रहे हो डायनेमिक फैक्टर या इम्पैक्ट फैक्टर से, तो वहां पे जो उस क्रॉस गर्डर की लेंथ होगी या डेक स्लैब की लेंथ होगी, इफेक्टिव स्पैन जो होगा उस मेंबर का, वो आपको कंसीडर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कि ऐसा कोई ब्रिज स्ट्रक्चर जहां पर फिलिंग कम से कम आपकी 0.6 मीटर हो, फिलिंग मतलब अगर कोई आर्च ब्रिज आप कंसीडर कर लेते हो, ठीक है दिस इज आर्च ब्रिज, इसके ऊपर अगर जो मान लीजिए ये रोड पड़ी हुई है, इसके ऊपर जो अर्थ फिलिंग है
वो 0.6 मीटर से ज्यादा है, फिलिंग इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 मीटर, तभी आपको अपने डिजाइन में इम्पैक्ट परसेंटेजेस कंसीडर करना है। और कितना इम्पैक्ट फैक्टर होगा, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया डिपेंडिंग अपॉन किस लोडिंग के लिए आपने डिजाइन किया, कैलकुलेटेड इम्पैक्ट फैक्टर डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है, जो भी इम्पैक्ट फैक्टर तो उसका हाफ ले लेना है अगर हमारी जो फिलिंग है वो 0.6 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें फोटो दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये वाला क्लॉज समझने के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आपका एक कंक्रीट ब्रिज का डेक रखा हुआ है जो कि बियरिंग्स पे रखा हुआ है, यहां पे आपकी बियरिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बेड ब्लॉक, आरसीसी का ही बना होगा जिसके ऊपर आपकी बियरिंग रखी हुई है, एंड द लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बेड ब्लॉक टू द पियर का जो टॉप है उस पर हमारा लोड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे बियरिंग अलग हो गई, बेड ब्लॉक का टॉप बॉटम ये हो गया, टॉप ये हो गया, ठीक है। तो अब इसी का स्कीमेटिक किसके देख लेते हैं कि बेड ब्लॉक हमारा ये हो गया, दिस इज बेड ब्लॉक, दिस इज बेड ब्लॉक का बॉटम, दिस इज बेड ब्लॉक का टॉप एंड इसके ऊपर बियरिंग है, ठीक है। अब इसका जो कोड का प्रोविजन है वो ये कहता है कि जब आप बियरिंग्स पे कितना प्रेशर आ रहा है लाइव लोड की वजह से या बेड ब्लॉक के ऊपर कितना आ रहा है, ठीक है, यानी अगर आप बियरिंग के टॉप पर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो यानी इस लेवल पे, या बेड ब्लॉक के टॉप पे कर रहे हो, इन दोनों के टॉप पे जब कर रहे हो तो उस केस में जो इम्पैक्ट फैक्टर लेना है वही जो आपने फुल वैल्यू कैलकुलेट की है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके नीचे जाते हो तो आपको अलग वैल्यूज लेनी है, फुल वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फ्रैक्शन नहीं लेना है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो जो डायनेमिक एक्शन है उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो बियरिंग और बेड ब्लॉक के टॉप लेवल तक हमारा सेम इम्पैक्ट परसेंटेज लोगे, बिकॉज वहीं से हमारा डायरेक्टली सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब आप पियर्स, अबटमेंट्स या और भी जो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो जो कि हमारे लेवल ऑफ टॉप ऑफ बेड ब्लॉक से नीचे हैं, ठीक है, यानी आपने पियर डिजाइन करना है, अबटमेंट डिजाइन करना है, ठीक है, उस केस में आपका जो इम्पैक्ट परसेंटेज है वो कैसे लिया जाएगा वो यहां पर समराइज किया गया है। उसके लिए आपको जो आपने इम्पैक्ट परसेंटेजेस ऊपर कैलकुलेट किया उनको इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर एट द बॉटम सरफेस ऑफ द बेड ब्लॉक, यानी बेड ब्लॉक के बॉटम में आपको कैलकुलेट करना है यहां पर, ठीक है, टॉप में आपको कैलकुलेट करना था, टॉप में अगर आपको कैलकुलेट करना था इन दो लोकेशन पे, बेड ब्लॉक के टॉप पे और बियरिंग के टॉप पे, तो आपको फुल वैल्यू लेनी थी। बेड ब्लॉक के बॉटम में जो इम्पैक्ट फैक्टर लेना है वो आपका 50% ऑफ ऊपर जो आपने कैलकुलेट की होगी डेक स्लैब के लिए या फुल वैल्यू का 50% लेना है। जब आप पियर्स या अबटमेंट डिजाइन कर रहे हो तो टॉप थ्री मीटर का मतलब है कि इस बेड ब्लॉक के बॉटम से 3 मीटर नीचे तक, यानी इतने पोर्शन में जब डिजाइन चेक्स आप परफॉर्म करोगे तो उस केस में जो लाइव लोड लेना है वो बढ़ा कर लेना है ड्यू टू इंपैक्ट, और कितना लेना है 0.5 एट दिस लेवल टॉप ऑफ पियर या बेड ब्लॉक के नीचे 0.5 लेना है, और उसको जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको रिड्यूस करना है। तो यहां 3 मीटर जो बेड ब्लॉक के बॉटम से 3 मीटर आप अबटमेंट पियर में नीचे आए उतने में आपकी वैल्यू 0.5 से 0 तक रिड्यूस हो गई, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो टुवर्ड द फाउंडेशन आपका इंपैक्ट एक्शन जो आपके लोड्स लाइव लोड्स चल रहे हैं उसका इफेक्ट रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि टॉप 3 मीटर फ्रॉम बिलो द बेड ब्लॉक्स में 0.5 से 0 वैल्यू हो गई, और अगर पियर्स या अबटमेंट आपका बेड ब्लॉक के बॉटम से 3 मीटर नीचे कोई कैलकुलेशन करनी है आपको प्रेशर निकालना है
तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर जीरो होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर हम इन जनरल देखें, इसको अगर हम इस तरह बनाएं, दिस इज पियर, ठीक है, इसके ऊपर आपकी बेड ब्लॉक है, इसके ऊपर आपकी बियरिंग है, ठीक है। तो बेड ब्लॉक का बॉटम ये हुआ, बॉटम ऑफ बेड ब्लॉक, इससे 3 मीटर तक, दिस 3 मीटर तक, तो यहां पे आपने 0.5 वैल्यू ली, 50% वैल्यू ले ली, यानी 0.5 ऑफ फुल वैल्यू जो आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, और यहां पे 0 into फुल वैल्यू, यानी यहां पे आपका इसके नीचे जो है ये वाला पोर्शन, यहां के लिए डिजाइन कैलकुलेशंस होंगी वहां के लिए इंपैक्ट फैक्टर जीरो होगा, यहां पे आपको लीनियरली रिड्यूस करना है, और इसके ऊपर आपका 0.5 ऑफ जो फुल कैलकुलेटेड वैल्यू है ऊपर आपने कैलकुलेट की, तो बियरिंग के टॉप, बेड ब्लॉक के टॉप पे 50% वैल्यू रिड्यूस करनी है ऑफ द फुल वैल्यू, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि जो ये क्लॉजेस हमने बात की है, ये सस्पेंशन ब्रिजेस और फुट ओवर FOBs जो है, फुट ओवर ब्रिजेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। केबल सस्पेंडेड ब्रिजेस हमारे सस्पेंशन ब्रिजेस में आते हैं या अदर ब्रिजेस, यहां पर होता क्या है, यहां पे लाइव लोड और का जो डेड लोड का रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस रेशियो इज वेरी हाई, जिसकी वजह से वहां पर डायनेमिक इफेक्ट्स आपको अलग से कंसीडर करने होते हैं, सच एज वाइब्रेशन और फैटिक्स, ठीक है। जो लॉन्ग स्पैन फुट ओवर ब्रिजेस हैं, ठीक है, वहां पर भी आपके डायनेमिक इफेक्ट्स नहीं कंसीडर होंगे, बिकॉज दे आर फुट ओवर ब्रिजेस, वहां पे आपके पेडेस्ट्रियंस यूज कर रहे हैं उसको। बट अगर लॉन्ग स्पैन ब्रिज है जहां पर फ्रिक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से कम है और 1.5 हर्ट्ज इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डायनेमिक इफेक्ट्स आपको कंसीडर करने हैं और उसके लिए आपको स्पेशल लिटरेचर्स फॉलो करने होंगे। यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिजेस और फुट ओवर ब्रिजेस के लिए ये हमारे प्रोविजंस जो हैं IRC 6 के, ये अप्लीकेबल नहीं है फॉर इंपैक्ट लोड कैलकुलेशंस। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।